हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर पेप की इस नई क्लास में। और आज हम सोहन लाल द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सोहन लाल द्विवेदी जी की जीवनी, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी भाषा शैली एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत को भैरवी, चेतना, प्रभाती आदि कविताओं को प्रदान करने वाले कवि एवं लेखक सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी सन 1906 में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। 22 फरवरी सन 1906 में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। दोस्तों, फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये कानपुर के बगल में है। दोस्तों, सोहन लाल द्विवेदी जी का परिवार संपन्नता से परिपूर्ण था और उनकी शिक्षा की व्यवस्था बचपन से ही अच्छी थी, अर्थात उनके परिवार में कोई भी कमी नहीं थी। वो संपन्न था और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों, द्विवेदी जी को हिंदी भाषा के अलावा अन्य कई भाषाओं का भी ज्ञान था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा फतेहपुर में ही प्राप्त की थी और इसके पश्चात उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वे गए। तो पहले उन्होंने हाई स्कूल तक की जो शिक्षा थी वो फतेहपुर से ही ग्रहण की, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बनारस गए। दोस्तों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मास्टर डिग्री और एलएलबी की डिग्री उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पाई थी। दोस्तों, द्विवेदी जी को साहित्य का ज्ञान हिंदी के अध्यापक पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ला से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उनको हिंदी का अभूतपूर्व जो ज्ञान था वो किससे प्राप्त हुआ था, तो इसका उत्तर होगा पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ला से। दोस्तों, काशी विश्वविद्यालय में ही इनकी मुलाकात मदन मोहन मालवीय जी से हुई और उसके बाद इनके मन में देश प्रेम की भावना सुदृढ़ हो गई। दोस्तों, द्विवेदी जी के जीवन पर महात्मा गांधी की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। द्विवेदी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया और जेल भी गए थे। दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी जी ने सन 1938 से 1942 ईस्वी तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का संपादन किया था। कौन से पत्र का? अधिकार का। और कुछ वर्षों तक बाल सखा के संपादक भी रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भी इन्होंने गांधीवादी विचारधारा की मशाल को जलाए रखा एवं गांधीवादी विचारधारा को प्रसारित किया। जो गांधीवादी विचारधारा थी अहिंसा, उसको इन्होंने हमेशा प्रसारित किया था। दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी जी की मृत्यु 1 मार्च सन 1988 को हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, कहीं कहीं कुछ किताबों में इनकी जो मृत्यु लिखी हुई है वो 29 फरवरी 1988 भी लिखी हुई है, परंतु अधिकांश बुक में 1 मार्च सन 1988 ही लिखा गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे एवं उन्होंने किसानों की दशा, ग्रामोद्योग की उन्नति, खादी का प्रचार जैसे कई अन्य विषयों को लेकर अपने गीतों की रचना की। अर्थात जो इनकी कविताएं थी वो उस समय के किसानों की दशा पे निर्धारित होती थी। ग्रामोद्योग की उन्नति, ग्राम में जो उद्योग होते हैं उनकी उन्नति कैसे हो सके, और खादी का जो प्रचार था वो इनकी रचनाओं के माध्यम से हुआ करता था। दोस्तों, अग्नि कविताओं के माध्यम से उन्होंने देश के नवयुवकों को देश प्रेम का संदेश दिया और उनकी कविताओं ने नवयुवकों में देश के प्रति अभूतपूर्व उत्साह का संचार किया। सन 1941 ईस्वी में आपका प्रथम काव्य संग्रह भैरवी प्रकाशित हुआ। ये बहुत ही चर्चित काव्य संग्रह है और ये प्रश्न पूछा जाता है कि भैरवी किसकी रचना है, तो इसका उत्तर होगा सोहनलाल द्विवेदी। उनकी बाल कविताएं भी नवीन उत्साह एवं जागरण का प्रसार करने वाली हैं, जो बाल मन को भी जागृत और प्रेरित करती हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि द्विवेदी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों, अगर कविता संग्रह की बात करें तो भैरवी, चेतना, पूजा गीत, प्रभाती आदि इनकी प्रमुख कविता संग्रह हैं। बाल कविता संग्रह की अगर हम बात करें तो दूध बताशा, शिशु भारती, बाल भारती, बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू इनकी प्रमुख बाल कविताएं हैं। दोस्तों, प्रेम गीत संग्रह में बसंती आपका प्रमुख प्रेम गीत संग्रह है, जिसमें द्विवेदी जी ने प्रेम के गीतों को संग्रहित किया है। दोस्तों, अगर आख्यान काव्य की हम बात करें तो वासवदना, विस्पान इनके प्रमुख आख्यान काव्य संग्रह हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि सोहनलाल द्विवेदी जी की भाषा शैली क्या थी। दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी जी की भाषा शैली सरल एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। उन्होंने अपने संग्रह में संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग समुचित मात्रा में किया है, अर्थात वो हिंदी के साथ साथ संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करते थे। उन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों एवं व्यवहारिक शब्दों का भी प्रयोग किया है।
इनकी रचनाओं में कुछ स्थानों पर उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, अर्थात हिंदी, संस्कृत और उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी ये करते थे। दोस्तों द्विवेदी जी ने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों ही शैलियों में रचनाएं की हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम IAS SSC बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारियाँ आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटेटिव एग्जाम संबंधित किसी भी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।